पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह अल्प प्रवास पर अशोकनगर आए, जहां कांग्रेस जनों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह का भव्य स्वागत किया। सारे शहर को बैनर और पोस्टर से लाद दिया तो वहीं जगह जगह मिठाई, नारियल और फूल मालाओं से उन्हें तोला गया। जयवर्धन सिंह अपने काफिले के साथ पुराने बाजार स्थित राज राजेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे। वहीं पास में ही गढ़ी में स्थित मजार पर भी इबादत की। जयवर्धन सिंह ने कहा कि आने वाले नगरपालिका चुनाव में प्रत्येक वार्ड में युवाओं की नई टीम बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस जनों के जोश को देखकर लगता है कि इस बार चुनाव कांग्रेस जीतेगी। अशोकनगर साडोरा के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आने वाले निकाय चुनाव के लिए सबसे एक बार संपर्क हो जाता और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम आए हो, लेकिन आज भी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता में ऊर्जा है, जोश है, उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम इसी प्रकार से इसी तरीके से आगे काम करेंगे तो आने वाले निकाय चुनाव में हम अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल जयवर्धन सिंह के निकाय चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति से कांग्रेस को कितना फायदा होता है यह तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।